वेलकम बैक ऑन टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज मैं हूँ बहुत ज्यादा खुश। इतने टाइम से मुझे जिस चीज का वेट था वो फाइनली आ चुका है। यूट्यूब की तरफ से मुझे मेरा फर्स्ट पेमेंट मिल गया। लास्ट ईयर लास्ट ऑफ दिसंबर में, मतलब दिसंबर के टाइम पे मैंने अपना फर्स्ट यूट्यूब वीडियो व्लॉग डाला था और तब से मेरी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई और आज एक साल होने को है। मतलब एक साल होने में भी एक महीना है, बट फिर भी मेरा पहला यूट्यूब पेमेंट मुझे रिसीव हुआ है एंड आई एम सो ग्लैड। आई स्टिल कांट बिलीव। अभी 5th of December को ही मेरा बर्थडे है जिसमें मैं 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाऊंगी एंड मैनी ऑफ यू बी आस्किंग कि आप 18 की लगती नहीं हो, ये हो वो। सो मैं बता दूं, मेरी हाइट काफी लंबी है। आई एम 5'4" 5'5" टाइप। हाइट काफी लंबी है एंड ऑल्सो मैं अभी बहुत ज्यादा चबी हो गई हूँ जिसकी वजह से काफी लोग मुझे बोलेंगे कि आप इतनी की लगती नहीं हो, उतनी की लगती नहीं हो। बाय द वे मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ। बहुत लोगों को पता होगा कि अभी मैं 12th में हूँ। एंड या तो इतना था बेसिक कि हाँ मेरा यूट्यूब से पेमेंट आ चुका है, पर बहुत मुश्किलों के बाद यार फाइनली मैं बोल सकती हूँ कि 18 साल के होने से पहले मैंने खुद के पैसे कमाए और मैंने कमाना स्टार्ट कर दिया है। सो ये सब हुआ कैसे? तो मैं YouTube के लिए अलग से वीडियो डालने वाली थी, लाइक माई YouTube जर्नी, और मैं वो डालूंगी भी, बट इसमें मैं आपको छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ। लास्ट ईयर इसी टाइम पे मैंने इस फोन से YouTube पे वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट किया, लेकिन उस टाइम मैं सीरियस नहीं थी। लाइक एक महीने में मैं एक वीडियो बना रही हूँ, वो भी सड़ा सा, बिल्कुल 2-4 मिनट का वीडियो रहता था। तो ऐसा चल रहा था कुछ महीने तक। कुछ ही टाइम बाद मार्च के टाइम पे आई थिंक मेरी एक वीडियो थी वो वायरल हो गई, जिसकी वजह से मेरे जो 1000 मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया था वो कंप्लीट हो गया। आई वॉज रियली शॉक्ड यार कि मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं है और मेरा मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो चुका है यूट्यूब पे। सो फिर मैंने देखा कि अभी तक मेरा वॉच टाइम बहुत पीछे है। लाइक मेरा 1000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट हुआ था तब 3000 घंटे मेरे लिए वॉच टाइम कंप्लीट करना सबसे बड़ा चैलेंज था। तो मैं शॉर्ट्स भी डालती रही, साथ में लॉन्ग वीडियोज भी डालती रही। एंड गाइज 2 महीने में मेरा वो क्राइटेरिया भी पूरा हो गया, मतलब मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका था। सो एज आई वॉज माइनर तो मुझे मेरे पेरेंट्स का जो भी आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होता है वो डाला मैंने एंड तब वो जो सेकेंड स्टेप वेरीफिकेशन होता है वो कंप्लीट हो गया। और जो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन के आया वो था एड्रेस वेरीफिकेशन। मैं यहाँ कोटा में रह रही हूँ तो मैंने यहाँ का ही पोस्टल एड्रेस वगैरह डाला हुआ था एंड फर्स्ट टाइम पिन भेज दिया यूट्यूब वालों ने। लाइक एक महीने वेट किया मैंने, 4 वीक्स का टाइम होता है, मैंने वेट किया, नहीं आया। देन मैंने फिर से रीसेंड किया वो मेरे घर के एड्रेस पे, वहाँ पे भी किया, नहीं आया। मतलब आता था और वो लोग वापस भेज देते। मैंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ दिया हुआ था फिर भी उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं किया कभी भी। सो दिस इज़ रियली बैड गाइज। मतलब जो हमारा पोस्ट सर्विस है उसको बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत मैंने स्ट्रगल किया। इनफैक्ट जब मैंने 3rd अटैम्प्ट में यहाँ पर डाला फिर से कोटा में, तो मैं वहाँ जा के पूछ रही थी तो उन्होंने बोला कि आपका तो वापस भेज दिया है। मैंने उनसे कहा पोस्ट ऑफिस वाले से कि मैंने तो फ़ोन नंबर डाला था एंड दैट मोमेंट आई वॉज लाइक क्राइंग। लाइक सितंबर ऑलरेडी हो गया था उस टाइम तक, तो आप समझ सकते हो कि मैं मई से लेके सितंबर तक इसमें स्ट्रगल कर रही थी सिर्फ ये एड्रेस वेरिफिकेशन के चक्कर में। बीच में मैंने छोड़ दिया। देन 4th अटैम्प्ट आया, उसमें भी नहीं आया और दैट टाइम मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अभी अक्टूबर के एंड में ही मैंने ऐसे रिसर्च वगैरह किया कि आप बिना एड्रेस वेरिफिकेशन, मतलब पिन जो आता है बिना एड्रेस वेरिफिकेशन के भी अपना अकाउंट कैसे वेरीफाई कर सकते हो। देन मुझे पता चला कि आप अपने ईमेल आईडी और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उससे भी कर सकते हो एंड वो 1 मिनट प्रोसेस रहता है। बस मैंने वो कर दिया और मेरा चैनल फुली तरह से मोनेटाइज हो गया। मुझे लगा कि हाँ फाइनली अब मेरी टेंशन खत्म हुई। अब मुझे जो भी क्राइटेरिया रहता है यूट्यूब का इतना डॉलर्स कंप्लीट करने का, बस वो कंप्लीट करना है। एंड हाँ अभी नवंबर में मेरा वो उतने डॉलर्स कंप्लीट करने का क्राइटेरिया भी कंप्लीट हो गया। नवंबर हैज़ बीन लकी फॉर मी क्योंकि इस महीने में मैंने 10,000 सब्सक्राइबर्स हिट किए, फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट भी आया। अभी आप लोगों के मन में बहुत सवाल होंगे कितना पैसा आया और कितना वक्त लगा, तो हाँ मुझे 1 साल वक्त लगा। कोई भी अगर आप आते हो ना YouTube पे तो ये माइंडसेट से मत आना कि पैसा कमाना है, पैसा ही पैसा होगा। अगर आपको वीडियोस बनाना अच्छा लगता है देन बस डालते रहो वीडियोस। फिर कुछ टाइम से मैं भी ये सोचने लगी यार मैं व्लॉग्स डालूंगी, लोग तो देखेंगे नहीं।
फिर व्यूज नहीं आएंगे तो मैं क्यों डालूं, इस वजह से मैं नहीं डाल रही थी। देन आई रिमेम्बर कि मैं व्यूज के लिए नहीं डाल रही, मुझे बनाना अच्छा लगता है वीडियोस, मुझे एडिटिंग, मुझे थंबनेल बनाना अच्छा लगता है मेरी वीडियोस के लिए, मुझे आप लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, इतना बात करना पसंद लगता है, क्योंकि मैं रियल लाइफ में बहुत इंट्रोवर्ट और शाई हूँ, बट कैमरे पे आके मैं मतलब दिल खोल के बात कर सकती हूँ। ऐसा है जब मैं रूम में अकेले रहती हूँ ना, तब मेरे मुँह से मतलब आई कैन स्पीक अच्छे से, वरना अगर कोई मेरे सामने रहेगा तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे इंट्रोवर्ट और शर्मा जाती। तो आप लोग सोच रहे होगे कितना पैसा आया। सो मैं आपको एक अप्रॉक्स फिगर दे सकती हूँ, लाइक इस हॉस्टल का मेरा जो हॉस्टल रेंट है ऑलमोस्ट इतना आया है। सो यस, आई एम रियली हैप्पी, और मैं अभी तो कुछ भी नहीं लेने वाली इन पैसों से, अभी इन पैसों को जमा करूँगी और धीरे 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 आई विल पोस्ट मोर वीडियोस। एंड या आपको पेमेंट मिलने के बाद ना मतलब ऐसा लगता है कि यार आपकी मेहनत सफल हो गई, आपकी मेहनत के बदले आपको कुछ मिल रहा है, और ये काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है दिल से कि हाँ मैंने कुछ किया है। मेरी मम्मी पापा बहुत ज़्यादा प्राउड थे मेरे पे, दे वर रियली हैप्पी। तो मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मैं बस ऐसी वीडियोस बना रही हूँ, बट जब मुझे पेमेंट रिसीव हुआ देन दे वर लाइक अच्छा। तो कोलैब वगैरह से थोड़ा थोड़ा अमाउंट मेरे पास आता था, तो तब से पेरेंट्स को लगने लगा हाँ कुछ तो कर रही है। एंड अभी जब फाइनली मेरा पेमेंट आया आई एम सो हैप्पी। यूट्यूब से आपको ये गारंटी नहीं मिलता कि हर महीने आपके पास पैसे आएंगे ही, बट हाँ आपको ये गारंटी ज़रूर मिलती है कि आप वीडियोस डालते रहो, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं। आप जितने भी वीडियोस डालने डालो, बस अच्छे वीडियोस डालो, लोगों को उससे हेल्प मिले ऐसा कोई वीडियो डालो। अभी मैं ज़्यादा बकबक नहीं करने वाली वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और इस बार मैंने सोच के आई थी कि मुझे छोटा वीडियो बनाना है। और बस हाँ, अपने दिल की खुशी अपनी जो ये है ना वो सब आपसे शेयर करनी थी, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो ये पॉसिबल नहीं होता बिल्कुल भी। सो गाइज थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच फॉर 20K सब्सक्राइबर्स। आई लव यू गाइज सो मच, थैंक यू सो मच। आज सिर्फ आप लोगों की वजह से मेरी खुद की आइडेंटिटी है, आई एम जस्ट सो मच फुल राइट नाउ। और मुझे आके आप लोगों से थैंक यू बोलना था, जो कि मैंने बोल दिया। अभी आप लोग पे है कि आप लोग को सपोर्ट करना, अपना सपोर्ट दिखाना है, आगे हमें बहुत आगे तक जाना है गाइज। सो प्लीज़ बने रहिए। आप लोगों को जैसा भी वीडियोस देखना आप मुझे बता सकते हो, जैसे कि मैं लाइफस्टाइल मतलब अपना दिखाती हूँ, सो उसमें मैं सब कुछ दिखा सकती हूँ, लाइक जो भी मेरा डे टू डे लाइफ है और एनीथिंग एल्स लाइक चैलेंजेस वगैरह, अगर मुझे टाइम मिला तो, क्योंकि मैं बहुत इनएक्टिव रहती हूँ। अभी से आई पक्का प्रॉमिस कि मैं एक्टिव रहूँगी गाइज। फिलहाल तो मेरा गला खराब हो गया है बोल बोल के। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, लव you guys, and yes, thank you so much.